नहीं नहीं बैठे हो नहीं यार क्या दिक्कत। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे शानू भाई और शोभित भैया और दोस्तों डबल एस आज कुछ समझाते हुए। जी बिल्कुल। तो शानू भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और मैंने भी एक दो वीडियो बना लिए। मुझे भी बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया किया। तो शानू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जयपुर के अंदर। और जो शानू भाई हैं सभी लोग जानते हैं कि वो एक जिसे बोलते हैं बहुत ही ऊपर के लेवल के कारीगर हैं, जो हर तरह का मंजा बनाते हैं। और उनका ऑल ओवर इंडिया में किसी तरह पहचान की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया ऑल ओवर इंडिया में। हम दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं शानू भाई की तरफ से ही क्लियर करवा देते हैं कि मंजे की वैरायटीज क्या है, कैसे मंजे में मेहनत होती है, क्यों और कैसे मंजे का जो होता है ना अपराइज या रेट्स में क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन सबको हम आज शानू भाई से पूछ लेते हैं। तो शानू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो शानू भाई एक चीज़ बताइए जी, जो मैं कहता हूँ कि एक कारीगर को कम से कम एक चरखा लगाने में कितना मेहनत करनी पड़ती है? 6-8 घंटे की पूरी मेहनत करना पड़ती है, 8 घंटे की करीब मेहनत करना पड़ती है। देखिए सर दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 8 घंटे, और वो शायद कंटिन्यू होती है, बीच में कोई ब्रेक लंबा छोड़ा कोई नहीं, नहीं कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं दोस्तों। ये बात अलग है कि चाय पी ली या नाश्ता कर लिया, वो बस 10-5 मिनट की बात अलग है, बाकी नाश्ता भी गुटका ही होता है। हाँ उनकी चाय भी भैया कितनी देर की बोल रहे हैं, आधे कोई रोक नहीं सकता वो बंदा हाथ को, नहीं रोकते कारीगर आधे घंटे से हो ही नहीं सकता, आधा घंटा नहीं मुश्किल से 10 मिनट का। तो आप देखिए दोस्तों उस बंदे को जब हम लोग उठते हैं उससे पहले कितने बजे तक लग जाता है कारीगर? सुबह गर्मी में 5:30-6 बजे लग जाता है। तो देखिए दोस्तों सुबह 5:30 बजे कारीगर अपने अड्डे पे पहुंच के तानना चालू भी कर देता है, जब तक हम लोगों की शायद आंखें भी नहीं खुलती है दोस्तों। तो कितना लेबर हो रही होगी इसके अंदर आप ये सोच रहे होंगे। और शानू भाई जब भी वो जो कारीगर है अगर मान लीजिए आप स्ट्रेस भी दे देते होगे तो 12 रील से ज्यादा तो कर ही नहीं पाता होगा? नहीं 12 ज्यादा नहीं करता, गर्मी में भैया बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती 12 ज्यादा करने की। गर्मी से एक चीज याद आई, ये वीडियो चढ़ाओ और आज से 3 महीने पहले का वीडियो देखना, आप अपने शक्ल देख के पहचान जाओगे कि गर्मियों में बन रहा है वीडियो। सांवले हो गए मैं भी हो गया हूँ क्या? नहीं नहीं भैया तो बिल्कुल ये गर्मियों का इम्पैक्ट है, और गर्मियां भी इस बार 45+ शायद महीने भर रही है मई में, तो बहुत बुरी हालात रही उड़ाने वाले के लिए भी बनाने वाले के लिए भी, दोनों चेहरे सामने ही है। खैर कोई बीमार नहीं पड़ा थैंक्स टू गॉड। तो शोहित भैया अब एक चीज, इनका जो हुनर है ना वो इस तरीके का है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उड़ा रहा है। अभी मैं इनसे यही पूछ रहा था अभी ये इस हुनर तक कैसे है, तो उन्होंने खुद ने बोला कि पहले हमें समेटना सिखाया जाता है। अच्छा चरखी को समेटते हम आते पहले लुगदी नहीं लगाने लगते, डायरेक्ट लुगदी नहीं, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम डायरेक्ट लुगदी नहीं लगाते, हमें लपेटना सिखाया जाता है, फिर हमें तानना सिखाया जाता है, फिर किसी उस्ताद की शागिर्दी के अंदर जब आप हर तरीके से मन भर लेते हो कि हाँ भाई ये टिक टिक के काम करेगा, तब कहीं जाके उसको मंजे पर काम करने हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं हुनरबंदी का चीज आ जाती है, कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। हाँ, 5 साल कारीगर, 5 साल लगते हैं कारीगर को पूरा कंप्लीट होने में। दोस्तों शानू भाई खुद बोल रहे हैं ये कहीं से भी लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही जा रही है। डायरेक्ट तो मंजा कोई कारीगर सोच ही नहीं सकता ऐसे। अच्छा आप ये बताइए शानू भाई इतना होने के बाद भी आप जब भी लुगदी बनती है यानी कि आखिरी जो बनता है उसको आप चेक करते हैं कि नहीं करते? और चढ़ने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं? बिल्कुल टेस्ट करते हैं, लुगदी सामने बैठ के बनवाते हैं भैया, कारीगर बनाता होता वहीं साथ में बैठते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि जब इनके जैसे प्रोफेशनल जो होते हैं वो लुगदी भी सामने बैठ के लगवाते हैं, उसे चेक भी कर रहे होते हैं, इनके कारीगर जो काम कर रहे होते हैं वो इनके शागिर्दी में 5-5 साल से ज्यादा के बल्कि कहूंगा ज्यादा है ना, तो इनकी हर चीज पहले आपने इसके ऊपर पूरी मेहनत करी सीखी? बिल्कुल। फिर उनके साथ भी मेहनत करते हो लग के? हाँ, बिल्कुल। कोई नया बच्चा आता है तो उसको लगा के भी दिखाते हो आप? हाँ बिल्कुल, लगा के दिखाना पड़ता है। और ऊंची नीची रह जाए तो आप संभालते भी हो उस मंजे को एंड में लेके? ये देखिए दोस्तों बहुत हाथ से संभालना पड़ता है। शानू भाई एक चीज और अपने कारीगरों के लिए भी अच्छा रहेगा, जैसे गर्मियां बहुत थी जी और लुद्दी जब चढ़ाई नए कारीगर ने तो दाना छोड़ दिया जी, खुदरापन हो गया है ना, जिगजैग हो गई डोर अपनी, उसको कैसे सही करते हैं? उसको भैया रगड़ के कोई सामान लगा के, रगड़ने से 1-2-3 तो कमजोर हो जाएगी उसको, हाथ सुस्ता है फिर से। और देखिए ये जो बोल रहे हैं इनका सपोर्ट इस तरह करता हूँ, जब ये अपनी मुट्ठी जो बना रहे होते हैं भैया एक बार जब थोड़ी लिक्विड फॉर्म में लेकर दूरा मांजा होता है तभी हम देख लेते हैं इसमें क्या होना है, उसको रगड़ना है या क्या सामान लगनी है, उसके हिसाब से फिर रख के जाता है उसको। वैसे मैं बताता हूँ हमने जब मंजीवी सद्दा बनाई थी ना तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे है ना, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कई बार कुछ मटेरियल ऐसे थे जो दानेदार हो गए हाँ, तो उसको फिर हमने क्या करा कि गर्म पानी का कपड़ा लेकर और डोर को थोड़ा सा पहले भिगोया और फिर गर्म पानी के कपड़े से उसे कस के साफ करा तो वो डोर
अच्छी तो बहुत बन गई पर मेहनत हमारी डबल ले ली। तो वो चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कई बार बरबरापन आ जाता है, दाने उतर आ जाते हैं, रुद्दी रह जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा लिक्विड या कुछ ऐसे सिस्टम मटेरियल लेके कि लिक्विड लेके उसे साफ कर सकते हैं कि साफ हो जाता है, दाना वापस गिर जाता है? दाना गिर जाता है, सामान होते हैं सामान जी के, अच्छा उनसे गिर जाता है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसा लगता है कि कारीगर ने एक हाथ मारा या कारीगर ने ध्यान नहीं दिया और डोर एकदम जिगजैग आ गई या वो दानेदार आ गई, तो कस्टमर पूछता है चीज कि भैया यार इसमें और इस चरखी में इतना फर्क कैसे है, जिगजैग कैसे है? तो कई बार तो हमें पता चल जाता है कि सुताई से इसे बनाया गया है, तो कई बार कस्टमर को ये होता है कि यार आपने एक हाथ दो हाथ में तो नहीं दे दी। सीजन पे क्या होता है कई बार कुछ कारीगर सोचते हैं कि मैं एक की जगह दो दर्जन का काम कर लूं, तो दो दर्जन के काम में वो एक हाथ मारेगा और जैसी चढ़ी चढ़ गई दे दिया। जैसे कई बार वो होता है ना, अपन जब चरखी देखते तो उसपे डॉट 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 ये पड़े होते हैं, लुद्दी के दाने पड़े रहते हैं, तो उस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अच्छा सोनू भाई एक चीज बताइएगा जो हम जानना चाह रहे हैं, वैसे गौरव भैया ने भी अपना एक्सपीरियंस कहा था, गौरव भाई ने और मेरे बीच ऐसे डिस्कशन चला था, तो जब लुद्दी बनती है जी, तो मैं ये कह रहा था कि फाइनल वाला जब हाथ चलता है ना, शायद दो हाथ तीन हाथ के बाद में जो आता है, तब आप वहाँ पे कांच इंट्रोड्यूस करते हो, और कई बार होता है नहीं नहीं वो कांच पहले से ही डाल दिया जाता है, तो क्या वो बाद वाले में डलता है हाथ में या पहले से डला हुआ? पहले से ही डलता है पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों ये भी है कि स्टार्टिंग से डल गया होता है, यानी जहाँ भी लड़ेगा कांच अपना काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता ना एंड में कोई ज्यादा नहीं, नहीं कांच स्टार्टिंग से लुद्दी कांच में बनती है, लुद्दी कांच में बनती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है जो मसाला बनता है सानू भाई, हाँ जी। तो इस मसाले की जो आप टेंडेंसी हो तो वो किस तरह से आप समझ जाते हो कि 12 दिन में यहाँ तक तो कमी नहीं पड़ेगी? कई लोग बोलते हैं कलर चेंज हो गया वैसे लुद्दी कम हो गई थी, हम क्या करें, अरे कैसे हो सकती है ये चीज? नहीं कार्य पूरी लुद्दी बनाता 12 दिन की, तो पूरी बनाते ना, पूरी पूरा अंदाजा होता है 12 दिन का होता है, फिर कलर चेंज क्या हो जाता है? 19-20 हो गया कलर हो जाता, नहीं तो नहीं होता, 19-20 भी होता है हो जाता होगा, ऐसे तो जाता ना कि भाई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं, 19-20 हो जाता है। अच्छा मेरे को ये बताइए, आज आप 500 प्लस में लड़वा रहे हैं, कोई आपके पास आया हमारे पास भी आया जी, हम उसे क्या सजेस्ट करें, गोल धार वाली करें या लगे हुए उस पे कवर दर्दरापन पे? मतलब 400-500 पे तो दर्दरेपन वाली डोर ज्यादा काम करती है, ऊपर रेंज निकलती है तो गोल्ड डोर ज्यादा काम करती है, और उसके पीछे कारण ये होता है कि वो फिसल आके गिरती है बिल्कुल, या फिर चिकनी धारा निकलती चली जाएगी, हाँ बिल्कुल, फास कर चिकनी धारी काम करती है। ऊंची रेंज में जब भी लो तो गोल के लिए लो 500 प्लस के अंदर, और उसके अंदर लो तो आप कांटेदार कांटेदार, हाँ अभी आप देख रहे हो ट्रेंड बहुत कांटेदार का चल गया है, छोटे पेच हो गए कांटेदार फिर तो टेक्निकली तो फिर वो बहुत खत्म होता जाएगा गेम, जो पावरफुल कैरेक्टर है वो उसी का गेम हो जाएगा। ठीक है तो आपसे इसका तोड़ एक सेकंड, ये जो बात निकली मैं बताता हूँ, इसका तोड़ आपने देखा भी, अभी जो तेज खींचने वाले हैं उनको बाहर का मुड्डा ना दिखा के अंदर की तरफ उतार रहे हैं लोग, आपने कुछ गेम में देखा होगा, अब गेम बदल गया, अब गेम सारे अंदर की तरफ हल्का सा टेढ़ा नीचे की तरफ रखते, हाँ नीचे की तरफ उतारते, अब आर पार वाला गेम नहीं है, तो मतलब आप ये मानते हो कि अगले 6 महीने में जो ट्रेंड आने वाला है वो गोलधार का आने वाला है? बिल्कुल गोलधार आनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि गोलधार की, क्योंकि जो नहीं खींचने वाला बंदा वो भारी पतंग उड़ा के और फंसाने की कोशिश खेल कूद नहीं कर सकते आप कांटे वाली डोर से ज्यादा, क्योंकि फंसते ही अपना काम रिजल्ट हो जाता है, हैंड पेंट फैसला कर देती क्या होना है, ये नहीं हो सकता आपने लगी डोर करी फिर आपने लच्छा फेंका फिर खींच के ले गए वो फटाक से कर देगी। मैं सानू भाई से भी क्योंकि इम्पोर्टेंट शख्स है तो और इम्पोर्टेंट अपन क्वेश्चन पूछ देते हैं सानू भाई जी, लोगों का ये वहम है कि जितना भारी मंजा मैं उतना ही पेज काटूंगा और अगर हल्का मंजा है तो नहीं काट पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपने अपने हुनर का कमाल है, बिल्कुल हुनर का कमाल, अपने अपने जेब की पावर है, जेब की पावर कि अगर आपकी वो है ना कि चप्पल पहन के भी बंदा कई बार नहीं भाग सकता, वही मैं कहना चाह रहा था, और कई बार महंगे से महंगा जूता लेके भी नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता, और वही अगर नंगे पांव से एक पतंगबाज उड़ा रहा है तो वो उल्टा इतना तेज भाग जाएगा जो महंगे जूते से भी आगे नहीं भाग सकता। अगर, नहीं अगर जूते महंगे जिताते रेस को तो एलन मस्क शायद सबसे तेज दौड़ रहा था, क्योंकि सबसे अमीर आदमी है, और अगर मांझे में पावर होती तो सारी ट्रॉफियां बरेली की होती, सही बात है, बंद तो वहीं पे रहा है सब कुछ, जिसमें से आधी तो शानू भाई की होती। अच्छा आपके अलावा सिर्फ एक ही है ना इलाहाबाद, और कोई थोड़ी ना बनाता इलाहाबाद भी बनता, नहीं पर चौबारा एक थोड़ा सा स्टाइल अलग कर दी, स्टाइल ये तो अच्छी बात है, जो अपने कोलकाता में भी कुछ एक बना रहे हैं ना, तो उन्होंने खुद मेहनत करते हैं अकेले अकेले, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर भैया ऐसा है कि बरेली में ही बनना चाहिए, और मौसम मौसम भी अच्छा आएगा, नमी नमी कारीगर मिल जाते हैं, बरेली में कारीगर काम सीखता है, उसकी हवा भी आती है ना नदी से होती हुई, इनके यहाँ पे क्या थोड़ा सा ऐसे हल्की हल्का करके सूखता है, एकदम से बक नहीं, अभी यहाँ पे कर दो मंजा
हाथ पड़ेगा नहीं उससे पहले सूख जाएगा, दूसरा हाथ उससे बड़ा दरदरा पड़ेगा। इनके क्या थोड़ी सी नमी बनी रहती है। 9 मिनट 50 सेकंड हो गए भैया, नमी को ध्यान से रखे, आपकी नमी में वीडियो चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। तो भैया इस को क्लोज करके मांझे पे बनाए। तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हंसी मजाक थी, और शानू भाई आए हुए थे तो थोड़े से गप्पे शप्पे भी हो गए। और शानू भाई इसी तरीके से हर साल एक एक चक्कर लगाते रहिए, जब भी आपको टाइम मिले। हर 6 महीने में लगा लीजिए। और ऊपर वाले से हमारी यही है कि आप जैसे बरेली के सब कारीगर इतनी तरक्की करें, इतना ही नाम कमाएं जो आपने कमाया और बरसों से कमाते आ रहे हैं। मतलब शानू भाई ये चार भाई हैं। तो चारों भाई की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और वास्तव में इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और अभी हर प्रोफेशनल के बैग में इनकी एक चरखी दिख जाती है। हाँ तो इकोनॉमिकल रेंज है ना भैया, ना लोड पड़ता है जब ये भैया बढ़िया रिजल्ट। सुनिए मेरी बात, मैं 5,000 का जूता लेता हूँ ना, वैसे तो लिया नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाया मैं अभी तक, तो मैं उसको शादी ब्याह में ही पहन के जाता हूँ। और जो मैं 1,000 रुपए का जूता लेता हूँ ना डेली यूज में, तो डेली यूज में अपने वॉशरूम में भी जाता हूँ तो वो पहन के चला जाता हूँ। तो ये एक फर्क है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट लेवल नहीं है। अभी करता तो उसको थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें पतंगबाजी सीखनी है तो आप सीख सकते हैं इकोनॉमिकल रेंज में भी। अब हर बंदा ऑल इंडिया टूर्नामेंट लड़ाने नहीं जा रहा, इवन हम खुद भी नहीं सोच रहे कभी लड़ाने जाए। हम यही सोचते हैं हमारा शौक है, कटकाट से कुछ नहीं। ट्रॉफी तो आपको खुद को ही पता है कि जिनके पास जानी है वो हमारे 2-3 सिटीज है वहां पे जाके ही रहेगी, और 90% वो यूपी में ही रहती है ट्रॉफी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हमसे लाख गुना ज्यादा है। आज मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता कि खिलाड़ी हूँ मैं, ये हूँ मैं, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। हफ्ते में 1-2 दिन मिल गया तो मिल गया, उसके बाद 4 महीने सीजन में कैसे गायब हो जाते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट और ये और वो, तो वो ये चीज सोचे कि रिजल्ट आपको निकालना है ना, कि किसी धागे को या किसी चरखी के नाम से रिजल्ट निकालना है। आप खरीदिए, अपने कलेक्शन में रखिए, कोई मना नहीं है, पर आप ये उम्मीद करें कि शॉपकीपर को आपने 5,000 रुपए देके किसी कारीगर की चरखी मंगा ली और शॉपकीपर ही जिम्मेदार हो गया लड़े ना लड़े, तो ये एक गलत फहमी है। तो आप वहीं पे ही 2-2.5 हजार की चरखी से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, निकलते हैं। और आज तक हमने देखे ही, अभी इनकी जेडएमए का नाम थोड़ी आया, बताओ भाई साहब। नहीं अभी नहीं आया। चांद मियां भाई साहब की डोर थी। हाँ। सीनियर वाला टूर्नामेंट उठाया। हाँ, उठाया अभी। अब आप बताइए, ऑल इंडिया टूर्नामेंट ही हो गया एक तरीके से। वो सीनियर्स का तो टॉप ब्लॉक नहीं था चांद मियां साहब का, जेडएमए टॉप है ना, पर बेसिक ब्लॉक से टूर्नामेंट जीत लिया। तो वो जो सर थे, क्या नाम था उनका, कोई मोहम्मद जी थे हमारे, तो उन्होंने ये चीज साबित भी कर दी कि यार हुनर होगा तो डोर कोई सी भी दे दो काट के दिखा दूंगा। कला है ना, रुपए की मोहताज नहीं होती। हाँ। कला तो कला है। बिल्कुल सही बात है। और वही बात जो लोग अपने ऐसे होते हैं ना कि जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं कट रहा हूँ या मैं थोड़ा सा स्किल्स कम पड़ रही है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें दोस्त, क्योंकि एक समय हर खिलाड़ी का होता है। आप देखो पहले आगा उस्ताद थे, फिर उनके बाद आजकल वकील साहब अच्छा ला रहे हैं, या उनके खिलाड़ी जो क्या क्या नाम है वो लंगड़ा घोड़ा किसी को आसिफ, तो बहुत सारे नाम है और भी हैं सर, आलोक भाई साहब है, समीर है, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सब्बू हैं जो, हाँ सब्बू बहुत बढ़िया, तो भी बहुत अच्छे बनाते हैं। हाँ, तो उनके जो तंग डालने का तरीका उससे ही वो पेच काट लेते हैं, उनको पता होता है कि मैं यहाँ तंग डालूंगा और पतंग का हाँ यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो ये सब एफर्ट्स हैं जो एक कलाकार लोग हैं, ये हुनरमंद लोग हैं, इनसे हम लोग कंपैरिजन एक ही दिन में कर ले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो सबके एक एक काट लूं तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट वैसे ही जीतूं कि इन भाई साहब की एक एक काट लो, जो भी हम नाम गिने तो मेरी ट्रॉफियां तो 5-6 वैसे ही खड़ी हो जाएगी, मैंने एक काट ली। चलो शानू भाई अब थोड़ा मंजे भी बनाएंगे, और शविद भैया बहुत अच्छा हुआ आपकी तबीयत खराब थी फिर भी आप आए। बिल्कुल भैया, तो एक मिलना होगा शानू भाई से। धन्यवाद, आपने नाम ही इतना बड़ा बुलाना पड़ा। चलो ठीक है भैया।